बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में खूबसूरत सी वेडिंग रिंग की जो ट्रेज होती है उनकी डेकोरेशन के आइडियाज़ लाई हूँ। ये यूनिक और ट्रेंडी आइडियाज़ हैं और यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। वेडिंग सीजन स्टार्ट है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। जिनकी भी इंगेजमेंट होने वाली है या शादी वगैरह होने वाली है तो वो यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं खूबसूरत सी बास्केट्स की, डेकोरेशन की। इंगेजमेंट के अलावा ये आप मेहंदी के फंक्शन में, निकाह में भी ऐसी डेकोरेशन बास्केट्स की कस्टमाइज ये बनवा सकते हैं आप लोग। ये खूबसूरत सी शेल्स जो हैं पर्ल शेल्स, उनमें रखी हुई हैं रिंग्स ब्राइड्स और ग्रूम की। वीडियो को अपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। ये देखिए क्यूट से फ्लावर्स में रिंग्स को फिक्स किया हुआ है और ये देखिए कितने क्यूट से रिंग के बॉक्सेस हैं। ये दूध पिलाई का ग्लास है, साथ रिंग का बॉक्स है। ये भी रिंग के क्यूट से बॉक्सेस हैं, साथ कैंडल्स और फ्लावर पेटल्स रखी गई हैं। ये दो रिंग्स बनाई हुई हैं, एक ब्राइड और ग्रूम की, और इसमें रिंग्स के बॉक्सेस रखे गए हैं। ये देखें कितना क्यूट है, हार्ट शेप बना हुआ है। और ये ऐसे केजेस में भी आप रिंग्स हैंग कर सकते हैं। केजेस में जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो नेक में रिंग्स हैंग की जाती हैं। ये भी क्यूट सी केजेस हैं, इनमें रिबन लगाया हुआ है और बर्ड्स की नेक में रिंग को हैंग किया गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।